नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहित्मुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शंभो शिव 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 नारायण 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 समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद श्री गजपत महाभाग भक्तिमती मातृशक्ति आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अनुकंपा के प्रभाव से दैनिक आरती का कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक महोत्सव भी बहुत ही मंगलप्रद सिद्ध होता है। मैं संकेत करना आवश्यक समझता हूँ।
राजनीति, विकास और पर्यावरण तीनों की परिभाषा एक होनी चाहिए। तीनों में विसंगति होने पर विश्व दिशाहीन हुए बिना रह सके संभव नहीं है। वेदादि शास्त्रों का मंथन करने पर राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है, हमने विचार किया। भगवत कृपा से एक परिभाषा सुलभ हुई, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, संहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना, यही सनातन शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना, इसी से पर्यावरण की रक्षा संभव है और सबका कल्याण भी संभव है। एक विचित्र तथ्य है, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विस्फोट ही हाथ लगता है। आजकल जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके प्रभाव से चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। इसलिए पूरे विश्व को मैं इस अवसर पर संदेश देना चाहता हूँ कि विकास, पर्यावरण और राजनीति की परिभाषा एक ही होनी चाहिए। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत व परिभाषा इस प्रकार है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, भोग और मोक्ष के विरुद्ध और सर्वथा अनुकूल व्यक्ति तथा वस्तु की उद्भावना। एक संकेत और कर देना आवश्यक है, जो भी भारत के राजनेता ख्याति प्राप्त होते हैं, विराज नारे राज्यपाल महोदय आए हैं, विराज आप ही के लिए ना। जो भी भारत के राजनेता विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में दो विकृति होती है। मैं संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, विकृति शब्द का। एक तो वे गोवंश की हत्या के पक्षधर होते हैं, दूसरे वे क्रिश्चियन तंत्र को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की पूरी छूट देते हैं। इस प्रकार भारत के कोई प्रधानमंत्री हों, राज्यपाल हों, राष्ट्रपति हों, मुख्यमंत्री हों, अगर विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं तो दार्शनिक धरातल को उसका कोई महत्व नहीं है। गोवंश की हत्या को प्रश्रय देने के कारण और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में सहभागिता के कारण अगर कोई राजनेता ख्याति प्राप्त करते हैं तो व्यावहारिक धरातल पर राष्ट्रभक्ति ही सिद्ध नहीं होते। इसलिए गोवंश की हत्या दूर होनी ही चाहिए। परंतु मैं एक संकेत करता हूँ, इस महायांत्रिक युग में किसी भी स्थावर और जंगम प्राणियों की प्रजाति का सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है। फिर से सुनिए, महायांत्रिक युग में किसी भी स्थावर और जंगम प्राणियों की प्रजातियों को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति 1163 में यह उद्घोष किया, महायंत्र प्रवर्तनम। शासन तंत्र का यह दायित्व होता है कि उन्माद न फैले, इसलिए महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग पर प्रतिबंध रहना चाहिए। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर हमारे उस समय के संत, महात्मा, मनीषी, वैज्ञानिक महायंत्रों का निर्माण करने में समर्थ नहीं थे तो मनु जी ने 1163 में उसका प्रतिषेध क्यों किया? ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग होता है, त्यों त्यों मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है और यहाँ तक अपकर्ष होता है कि यंत्रों के माध्यम से ही काम करते करते मानव जीवन की सार्थकता ही विलुप्त हो जाती है। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है,
मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के 2 श्लोक में, वेदस्तुति के 2 श्लोक में मानव जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन पर प्रकाश डाला गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, राज्यपाल महोदय भी गणपत महोदय भी यहाँ विद्यमान हैं। पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं शास्त्रों के अनुसार उनको विकृत करना विलुप्त करना ही आजकल विकास माना जाता है। विश्व स्तर पर से हम देश को प्रसारित करने की आवश्यकता है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड के 2 अध्याय का अनुशीलन कीजिए, काशी खंड के 2 अध्याय का अनुशीलन कीजिए, उससे पता चलता है गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महीः। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 स्तंभ हैं, तत्व हैं, गोभिः गोवंश विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण वेदैश्च ऋक् यजु सामर्थ्य संज्ञक वेद गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती साध्वी देवियां निर्लोभ व्यक्ति सत्यवादी और दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं। गंभीरता पूर्वक विचार करें तो छलवल डंके की चोर से और अज्ञानता के वशीभूत होकर पृथ्वी को धारण करने वाले इन 7 तत्वों को विकास के नाम पर विश्व स्तर पर विकृत किया जा रहा है। विकास की पोल पट्टी तो खुल गई, अमेरिका जापान चीन विकसित राष्ट्रों में क्षेत्रों में गिना जाता था, कोरोना देवी ने तीनों को स्पष्ट कर दिया। भौतिक विधा से अगर विकास करेंगे तो कोरोना देवी चपेट में डाले बिना नहीं रहेगी, इसलिए हमने संकेत किया। कोरोना देवी ने विकास की परिभाषा जो आधुनिक है उसको दबोच दिया और सनातन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति समाज की संरचना का मार्ग प्रशस्त हो इस तथ्य को उद्भाषित किया है। साथ ही साथ महाभारत के अनुसार पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। धर्म काम पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृसभ। धर्म कामश्च कालश्च काल पृथ्वी का धारक तत्व है। वसु और वासुकी चल अचल संपत्ति के 2 अधिदेव हैं वसु और वासुकी। पराविद्या अपराविद्या के 2 हैं अनंत और कपिल, जिसका अर्थ होता है काल और पुरुषार्थ चतुष्टय पृथ्वी के धारक हैं। बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करें तो आज बीज की रक्षा के अतिरिक्त धर्म नामक पुरुषार्थ का विकास के नाम पर विलोप हो चुका है, अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी विलोप हो चुका है। आखिर अर्थ किसको कहते हैं? पृथ्वी को अंग्रेजी वाले अर्थ ही कहते हैं। पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। द्यूत जुवा लाटरी सट्टा मद्य आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ अर्थ है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ है। पूरे विश्व में अर्थ के नाम पर अनर्थ ही पल रहा है। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति चल रही है, धर्म को भी लोग कोस रहे हैं। मैं एक संकेत करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। सेकुलरिज्म का अर्थ कुछ लोगों ने किया, धर्मनिरपेक्ष कुछ लोगों ने किया, पंथ निरपेक्ष। थोड़ी देर के लिए हम धर्मनिरपेक्षता पर विचार करें। मुझे कोई महान भाव ऐसी वस्तु बतावे, ऐसा व्यक्ति बतावे जो धर्मनिरपेक्ष हो।
अग्नि अगर अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो अग्नि का स्वरूप क्या रहेगा। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है, जिससे किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता सिद्ध होती है उसका नाम धर्म है। धारणा धर्म सैद्धांतिक धरातल पर पृथ्वी धर्म क्यों है? पार्थिव प्रपंच का धारण करने वाली है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष का नाम धर्म है। जल का नाम, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला निर्विशेषता की अवधि परमात्मा या आत्मा का नाम धर्म है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार हम विचार करें तो तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाशा सम्भूतः सिद्ध कोटि के अधर्म है। कोई भी वैज्ञानिक इसका खंडन नहीं कर सकता। विज्ञान और वैज्ञानिकों को हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता हमारे सनातन सिद्धांत में सन्निहित है। भूत कोटि सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने वर्णन किया। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ है, तप है, व्रत है, दान है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी साध्य कोटि के धर्म की भी परम उपयोगिता है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है, व्रत करने के लिए अन्न जल के संयम की आवश्यकता है, और तप करने के लिए विषयजन आनंद को भुलाने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने एक मनोरम तथ्य उद्भाषित किया, दुख ही नहीं विषयजन सुख भी त्याज्य है। कल्पना कीजिए जिसको दुख के नाम पर दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, विषयजन आनंद पर्याप्त है। अखंड सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट है, भोग भोगने की क्षमता भी उसमें पर्याप्त है। भूमंडल का निष्कंटक वैभव उसको भोग्य के रूप में प्राप्त है, लेकिन प्रिय मोद प्रमोद विषयजन्य जो आनंद उनका त्याग करके ही वह निद्रा प्राप्त कर सकता है। मैं आजकल कहा करता हूँ, कमलिन पर पानी फेरने के लिए गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक नहीं सकता उसका आलंबन लेकर विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है। जो कम्युनिज्म की धारा में बहते हैं उनको सोचना चाहिए, जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब वे चेतना विशिष्ट शरीर जिसको आत्मा मानते हैं उसको भुलाने की आवश्यकता उनके हृदय में उद्भूत होती है। इंद्रियों को भुलाकर ही गाढ़ी नींद की प्राप्ति हो सकती है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भुलाकर ही गाढ़ी नींद की प्राप्ति हो सकती है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणस्पंदन को भुलाकर ही गाढ़ी नींद की प्राप्ति हो सकती है। विषयजन्य आनंद बहुत प्यारे हैं। ब्रह्मा जी को मर्त्यलोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्थ की सिद्धि होगी। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसको तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार मानुषानंद कहते हैं। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में सुलभ होता है। वो ब्रह्मा जी भी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, उस आनंद को भुलाकर अगर योग निद्रा प्राप्त न करें तो भी पागल हो जाए। जहाँ विषयजन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग्य जहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजहल लक्षणा का आलंबन नहीं तो द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया, सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन वात कोटि कौ कहे। स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद सिद्ध नहीं हो सकता, इसका अर्थ क्या है? द्वैत के मूल में अद्वैत है। गाढ़ी नींद अगर हमको न आवे हम विक्षिप्त हुए बिना न रहें। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार अहमिचा प्रसुप्ते अहंकार सो जाता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सर्दी गर्मी भूख प्यास जितने द्वंद्व हैं और दैहिक दैविक भौतिक ताप इनकी प्राप्ति और व्याप्ति अहंकार पर्यंत ही होती है। गाढ़ी नींद में चूंकि अहम सो जाता है इसलिए हम द्वंद और दुख से विनिर्मुक्त जीवन लाभ करते हैं 5-7 घंटों के लिए।
अगर द्वंद्व और दुख से रहित जीवन गाढ़ी नींद हमको प्राप्त ना हो तो विक्षिप्त हुए बिना न रहें। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती और निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में कदाचित गाढ़ी नींद भी सुलभ नहीं होती, वो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। मैं संकेत में 2 मिनट कहना चाहता हूँ। एक बार ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य समय के श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग उड़ियावाजी के आश्रम वृंदावन में एक दिन के लिए पधारे। उन दिनों ब्रह्मचारी वेश में था, मेरा नाम था ध्रुव चैतन्य। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि गाढ़ी नींद बना डाले। सीधी भाषा में बोलते थे, हमारी तरफ टेढ़ी मेरी भाषा में नहीं बोलते थे। कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। उनको संस्कृत के श्लोक इतने याद थे, आँख मूंद कर सवा घंटे नित्य पाठ करते तो 40 दिनों में एक आवृत्ति करते। इतने बड़े विद्वान आँख मूंद करके सवा घंटे नित्य पाठ करते थे तो 40 दिनों में एक आवृत्ति कर पाते थे, इतने उनको संस्कृत के वचन याद थे। उन्होंने मुझसे कहा 45 मिनटों में अगर हमको गाढ़ी नींद ना आती तो हम तुम पागल खाने में होते, आगरा में ही होते। वृंदावन के पास आगरा है। निसहाय जीवों को जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है उन पे करुणा वरुणालय ने अनुग्रह करके गाढ़ी नींद बना दी। लेकिन गाढ़ी नींद की विशेषता यह है कि हम सो जाने के कारण वहाँ द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है, परंतु दुख का और द्वंद्व का बीज शेष रहता है। उस द्वंद्व और दुख के बीज को विघलित करने के लिए, जला डालने के लिए, भूल डालने के लिए हमको भगवत कृपा से जीवन प्राप्त हुआ है। भगवत गीता के 4वें अध्याय के अनुसार अगर हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्यात्म विद्या प्राप्त करते हैं, तो द्वंद्व और दुखों का बीज भी दग्ध हो जाता है। एक संकेत और करके प्रवचन को विराम दो, ध्यानपूर्वक सुनिए। चना इत्यादि का बीज होता है भर्जित वीर, उसको गर्म तवे पर रख कर भून देते हैं, उसमें स्वाद बढ़ जाता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन भर्जित बीज को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में भी बो दें, उससे अंकुर इत्यादि की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है भर्जित बीज के समान होता है। जीवन मुक्तों का स्वभाव अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि दृष्टि से समाकर्षक होता है, सबको आत्मस्वरूप समझते हैं, सबको परमात्मी समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या उनके जीवन में प्रतिष्ठित रहती है। महोपनिषद के 6वें अध्याय में वसुधैव कुटुंबकम यह वचन आया है और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वे भवन सुखिना सर्वे साम मंगलम भूयात सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु माँ कश्चित दुःखभाग भवेत। एक संकेत कर तो हमारा आपका जीवन वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है या नहीं। भगवद गीता के 3रे अध्याय के अनुसार माँ के पैर से जेल सहित हम उत्पन्न होते हैं, डरावनी प्राणी हो गए या नहीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार माँ के पेट में अंडा के रूप में रहते हैं, अंडजा प्राणी हम हो गए या नहीं। अंडे का मौलिक स्वरूप है माता पिता के रजबीज का संस्कार संघात, उसका नाम क्या हो गया, स्वेदजा प्राणी हो गए। लेकिन रक्त रजोधर्म की अर्थात रक्त की और वीर्य की प्राप्ति होती है अन्न आदि से, उद्भिजक प्राणी भी हो गए। स्वप्नावस्था मनसिजक प्राणी हो जाते हैं, आत्मचैतन्य से अधिष्ठित होकर हम स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। स्वयंभू प्राणी होते हुए हम मनसिज हैं, मनसिज होते हुए हम क्या हैं, जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। और अगर उपाधि को छोड़ दें तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हमारा मौलिक स्वरूप है। एक वाक्य 2 वाक्य कहकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। समग्र वैदिक वाङ्मय का मंथन करके अगर हम अपना परिचय प्राप्त करना चाहें तो क्या परिचय प्राप्त कर सकते हैं। निरुपाधिक धरातल पर सदघन चिदघन आनंद घन मृत्यु जड़ता दुख से विनिर्मुक्त ही हमारा स्वरूप सिद्ध होता है। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर हैं, अविद्योपाधिक होकर के हम जीव हैं, तम प्रधाना प्रकृति के योग से हम जगत हैं,
हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। हम जगदीश्वर होकर उल्लसित होते हैं, हम जीव होकर उल्लसित होते हैं, हम जगत होकर उल्लसित होते हैं। जगत जीव और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही हमारा मौलिक स्वरूप है। इस तथ्य को जो जान लेता है जीवन काल में ही उत्क्रमण और पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यही बताया जीता सर्गो ये शाम सामने स्थितम बना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात ब्राह्मण से स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर लिया। जिनका मन सदोष और विषम शरीर और संसार से उपरत होकर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। अब श्री राज्यपाल महोदय अपना संदेश प्रदान कर। महीने पूर्व जब मैं अपने कक्ष से स्टूडियो में निकला, भगवती दुर्गा का चित्र है दीवार से संलग्न, वहाँ आते ही मेरा मुँह स्वयं खुल गया और 3 बार मेरे मुख से निकला हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तब से हमने हिंदू राष्ट्र कहना प्रारंभ किया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू थे, मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, इस पर विचार कीजिए। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं, ईसा मसीह की समाधि भी भारत में जम्मू कश्मीर में सन्निहित है या नहीं। हम संकेत करना चाहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देते हैं। सबके पूर्वज हैं मन शत्रुपा, मन शत्रुपा के मूल में हैं हिरण्य गर्भात्मक सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई है श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सर्वतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास के पर्यावरण की परिभाषा, इसको क्रियान्वित करने पर सबका कल्याण सब हो सकता है, सबका उत्कर्ष हो सकता है, हमारा जीवन अपने हित में सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, इसलिए यह चिंतन आवश्यक है। निरुपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर हैं, अविद्योपाधिक होकर के जीव हैं और तम प्रधाना प्रकृति के योग से हम जगत हैं। जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में आत्म चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। आत्मा का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ही सर्व रूपों में लसित है। हमको वेदादि शास्त्रों के आधार पर जैसा ईश्वर मिला है किसी अन्य ईश्वरवादी को वैसा ईश्वर कभी नहीं मिला। ईश्वर ईश्वर एक समान मत मानो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मिनट में वक्तव्य को विराम देता हूँ। नैयायिकों का आत्मतत्व वैशेषिकों का आत्मतत्व भी तो आत्मतत्व है। आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा की मान्यता को लेकर भेद है। नैयायिकों का वैशेषिकों का जो आत्मतत्व है स्वतः सत्य नहीं है, सत्ता नामक सत्ता के योग से वह सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से वह चित्त है, आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। हमारा आत्म तत्व स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप है। हम उस भगवान को मानते हैं जो जगत बनाते भी हैं जगत बनते भी हैं। मैटर और मेकर दोनों ही हमारे भगवान से धोते हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रेशो कामयत भवस्याम प्रजायै वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वम खलदम ब्रह्म। इन वचनों के आधार पर सिद्ध है हमको वेदादि शास्त्र सम्मत जो ईश्वर प्राप्त है वह जगत बनाता भी है जगत बनता भी है। प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधा, इसलिए अपने ईश्वर को माने भगवान को माने
जिस किसी के ईश्वर को मानने पर वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर सिद्ध नहीं होता। हमारे भगवान सर्वरूप हैं, आत्मस्वरूप हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हिंदू राज के बाद पूरे विश्व में, अमेरिका के पार्लियामेंट में भी गूंज रही है, भारत हिंदू राष्ट्र होकर ही रहेगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगेगा, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य के बल पर। एक चुटकुला सुनाते हैं। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया, इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता हूँ। इसका अर्थ क्या है? हम पूरे वैदिक वाग्मय की बात छोड़ दें, हमारे ग्रंथ जलाए गए। कुछ वर्ष पहले प्रचंड ने काठमांडू में ग्रंथागार को जलवा दिया। मैंने जाकर नेपाल में कहा, ये पागल है प्रचंड, ग्रंथों ने क्या तुम्हें तुम्हारा बिगाड़ा था, ग्रंथागार को जला दिया। फिर भी हमारे पास जितने ग्रंथ हैं उनको छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदी सूक्तम के माध्यम से केवल 7 हमको मंत्र प्राप्त हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो जगत का मौलिक स्वरूप चित्रित किया गया है, वैज्ञानिक और विज्ञानियों से दिशा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में, आज का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, यहीं तक आज के विज्ञान की गति है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, अंग्रेजी बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं जानता। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आगे हम क्या कहेंगे? एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात पदार्थ के मूल में शक्ति है, शक्ति के मूल में कौन है? परमात्म तत्व, आत्म तत्व। इस प्रकार से हम अगर विचार करें तो सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, स्थिति का, संहार का, निग्रह का, अनुग्रह का पूरा विज्ञान वेदादि शास्त्रों में ही सन्निहित है। आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में गुरुकुल की शिक्षा पद्धति विलुप्त कर दी गई ताकि हम अंधानुकरण कर सकें पाश्चात्य जगत के। फिर भी मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हमने कंसों का शासन भी, कंस जैसे व्यक्ति का शासन भी झेला है, रावण जैसे व्यक्ति का शासन झेला है, कभी हमने हिरण्यकश्यप के शासन को झेला है, पर भारत को कोई दिशाहीन नहीं कर सकता। यहाँ साक्षात जगदीश्वर जन्म लेते हैं, साक्षात जगदीश्वरी जन्म लेती हैं, कारक कोटि के महापुरुष जन्म लेते हैं। भारत को शासन तल कितना भी दिशाहीन करना क्यों न चाहे, लेकिन भारत इसलिए दिशाहीन नहीं हो सकता क्योंकि विश्व का हृदय है, अवतार की भूमि है नारायण।